भाई मेरे माइंड में कोई चीज ट्रिगर करती है ना, बड़ा सोच समझ के करती है। भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार पूछो मत बहन। अरे तुम पीछे से देखो। ओ बहन ये देखो, यहाँ से देखो। इनने तो सच में गाड़ी की कमा रखी भाई। अंदर की पता नहीं चद्दर वद्दर भी काटी है, पता नहीं क्या करा है। ये इतना तो गैप आता ही नहीं है भैया। भाई ये गैप तो है ही है, ये तो मैं अब इधर बैठा हूँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पीछे से देखो तुम एक बार, ये देखो एम्पलीफायर लग रहा है। फ्रंट यूएसबी, रियर यूएसबी, और सबसे पहली बात तो रियर यूएसबी शॉर्ट है मार्केट में। अच्छा जी, पर मैं आपकी गाड़ी में लगा रहा हूँ भाई। थैंक यू सो मच। ये देख लो भाई, जर्मन मारुति। तो भाई मैं करोलबाग क्यों आया, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब करोलबाग की वीडियो बनानी है तो करोलबाग में ना बने तो क्या फायदा। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं कमेंट्स हाईलाइट कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा बहुत सारे लोगों को। तो भाई आप कह रहे थे कि ऐसी वीडियो जरूर बनाओ और हाईलाइट करो ताकि आप भी थोड़ा सावधान हो जाओ। भाई देखो मेरे पास, आपको पता ही होगा कि मेरे पास है ये बलिनो, ठीक है। ये वाली बलिनो भी हमारे पास है, जो मेरा एक यार दोस्त है उसके पास ब्रेजा है, जो तुमने मेरी लास्ट वीडियो में देखी थी। उस ब्रेजा के साथ कुछ ऐसे काम हुए, उसने काम कराया था, आधा काम ओल्ड टाउन आधा काम करोलबाग, ऐसे जगह जगह ले जाके थोड़ा स्मार्ट प्ले करने के चक्कर में करा लिया। लेकिन उसके चक्कर में ना उसे पर्सनली बहुत नुकसान हो गया। हालांकि सामने से उसने 10-11 हज़ार रुपए तोड़वा लिए, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर पहले आप 20,000 फालतू दे दोगे, उसमें 10,000 कम करा लोगे तो उसकी कोई वर्थ है ही नहीं। ये बात मैं भाई से हमारे डिस्कस कर रहा था, कृष्णा भाई हैं, अगर किसी को ना बताओ तो। ये कृष्णा भाई हमारे हैं आरबी गार्डन गौर से, ये देख रहे हो सामने। तो जैसे कि हम स्कॉर्पियो के किंग हैं पुरानी से नई में करने में, ये भाई भी करते हैं। लेकिन ये 15-16 लाख रुपए की नई गाड़ी जो शोरूम से निकलती है ना, उसको बेस से टॉप एंड कर देते हैं, है ना। ये काम है ना भाई। तो भाई का ये काम है। अब भाई के पास मैं आया, इन्होंने मेरे को बताया कि एक ना जैसे वन एंड ओनली काम तुम कर रहे हो, वैसा वन एंड ओनली काम एक ये भी कर रहे हैं। मैं कहा आप कैसे कर रहे हो, आप तो महिंद्रा वाले हो। तो इन्होंने बताया मारुति का कर रहे हैं। मैं कहा कौन से रास्ते पे आ गए तुम, मारुति पे? महिंद्रा वाले मारुति पे नहीं जाते। मारुति के लिए भाई है ना, है? भाई हैंडल कर लेगा। भाई पहले तो, बात तो हाँ, आपके भाई हैं? भाई हैं, वो टेक्नीशियन भी है सबसे पहली चीज। अच्छा, खुद कारीगर है? खुद कारीगर है। स्टार्ट किया मारुति का, मतलब बहुत टाइम से काम कर रहा है मार्केट में। तो अच्छा, अभी उसने शॉप ओपन करी है तो ए टू जेड सारा नॉलेज है। और आपकी गाड़ी में जो काम कंपनी में भी नहीं हो सकता ना, वो काम भी वो कर रहे हैं। भाई मेरे माइंड में कोई चीज ट्रिगर करती है ना, बड़ा सोच समझ के करती है। एक्चुअली क्या है, इन्होंने बोला कि वो काम जो कंपनी नहीं कर पा रही। अब हम भी ऐसे बहुत सारे काम करते आ रहे हैं ऑलरेडी, तो कंपनी नहीं करती। एसी पैनल है, वो तो कॉमन है। एसी पैनल तो हाँ, लगी रहा है। कॉमन है। स्पेसिफिक जगह से काम कराओगे तो फिर कोई इशू नहीं आना। वही मेरे को बताना था इस वीडियो में, ताकि भाई क्योंकि देखो मैं अपनी गाड़ी को भी रेडी करा रहा हूँ, मेरी वाली ये खड़ी, इसका जो सारा काम है अगर देखना तो भाई कमेंट डाउन कर देना। ये सारी ना मेरी ये बेस मॉडल है, मैंने इसमें सिस्टम सब लगवा रखा है। तो कुछ काम थे मेरे को लाते ही, सिर्फ गाड़ी में कुछ नहीं कराया था मैंने, सिस्टम और एलॉय डलवाए थे ये वाले, ठीक है। एलॉय से तो मैंने आपको बताया था कितना परेशान था, लेकिन अब मैं इसके अंदर कुछ ऐसे काम करा रहा हूँ जिससे इसकी जो इसको रखने की ना फील और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे को अपनी इस गाड़ी से बहुत प्यार हो गया पिछले कुछ समय से। तो बस यही कुछ है, बाकी एक बार गाड़ी आ जाए मेरे दोस्त की तो मैं दिखाता हूँ कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरे को खुद करोलबाग आके करोलबाग के कुछ बंदों को। आप हो ना, आपको पता है स्कॉर्पियो में ये चीजें दिक्कत हो सकती है, तो आप उसको सही करके चलो। जिनको नहीं पता जो नए भाई, तुमने ये बात बोली है कि कारीगर है तो आया हूँ मैं यहाँ पे। जो मेरी गाड़ी में हाथ लगा रहा है वो खुद कारीगर है, मतलब कारीगर की ही दुकान है। तुम्हारी गाड़ी के लिए ऐसा गिफ्ट है ना, बिल्कुल सस्पेंस कर करके चलते हैं। अच्छा, वो बाद में अनडाउन करेंगे। ओके, बेस मॉडल में ना किसी ने करा नहीं होगा अभी तक पक्का देख लो। बेस के अलावा? अच्छा, उसके अलावा किसी ने नहीं करा है। अच्छा, और मैं करके दूंगा। अच्छा, जो चीज पहले थी ना कि ये चीज इम्पॉसिबल है, वही पॉसिबल करवा के दूंगा। चलो भाई, अगर आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे तो कमेंट डाउन जरूर कर देना। बुला लो यार, मैं दोस्त को फोन करता हूँ। बैठे बैठे देखो भाई साहब ने बुला दिया। ये भाई हमारे? हाँ ये है भाई, वैसे भाई है मेरा। अच्छा, ऊपर लड़ गए, अभी भी काम स्टार्ट किया, आ जाओ। हाँ भाई, कैसे हो भाई आप? बढ़िया भैया। भाई क्या काम करते हो आप ऐसे? ये सारे ही काम करते हैं बेस टू टॉप में। ये तो करते हो, मतलब खुद भी कर लेते हो सारे काम? खुद भी कर लेते भैया। भाई फिर तो चांदी चांदी है भाई। कि भाई से मिलने का मकसद ये था, मेरे को ना अभी तुम्हें एक ब्रेजा आ रही है वो दिखानी है, ठीक है। और मेरे दोस्त ने ना कहीं तुम्हारे यही लोकल छिड़वाई है, और उसके हाल क्या हुआ गाड़ी का एक बार वो दिखाना आपको, ठीक है। बस आ रही है, एक बार देख लेना। पर मेरे को अपनी गाड़ी में भी काम कराना, वैसा नहीं कराना जैसा उसकी गाड़ी में हुआ है भैया। आपके इसलिए मैंने इस बंदे को बोला और इस बंदे ने मुझे तुम्हारा रिकमेंड करा है। अब एक बार काम करवाओ, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि पहले बोल दूंगा तो काम खराब ही होना है। क्योंकि दुनिया को सबसे ज्यादा आग लग जाएगी कि डीम मैकेनिक ने कदम यहाँ पर रख लिया है करोलबाग में, खुद काम करने वाले ने। सच बता रहा हूँ, मजाक से हट के। कोई नहीं भैया, ये तो मुझे पता चल गया ना कि तुम खुद करते हो। ये तुम नहीं करा था ये जो अपना क्रूज कंट्रोल का? जी मैं नहीं करा था पहले। अच्छा जी, अच्छा जी, वो भी कपलर टू कपलर। चलो भाई, तो फिर तुम्हें कपलर टू कपलर अलग तरीके का दिखाते हैं। ये आ चुके हैं, इस भाई से तो निकली नहीं है, मेरा दोस्त है और मैं ही आ गया। फिर इतनी निकाल के लाया हूं, इतनी मुश्किल से गाड़ी, और जिस चीज की मैं बात कर रहा था भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार पूछो मत बहन। छोड़ो भाई, मैं इसको बीप कर दूंगा, मैं नहीं बता सकता। बस तुम समझ सकते हो फील को।
भाई बड़े मुश्किल से पहुंची यहाँ तक गाड़ी। तो वैसे ये बता तूने काम क्या क्या कराए थे और कितने का तेरा खर्चा हो गया, मोटा मोटा बता दे बस सारा। पैसे कितने खर्चे? मैंने 55 से 60 हज़ार के आसपास खर्चे थे। उसमें इंटीरियर भी मेन हुए थे, सीट कवर चेंज हुआ था, स्टीयरिंग लगा था, स्टीरियो लगा था, स्पीकर तो वो हमारे एडिशन में आया ही था। मेन खर्चा हुआ था ये ORBM जो ऑटो रोल नहीं होते साइड में, ORBM मेजर खर्चा तो 8-10 हज़ार का तो वही था, बाकी सारे छोटे छोटे स्टीयरिंग, हेडरेस्ट और वो USB कंट्रोल पीछे का। तेरी गाड़ी देखने के बाद मेरे को चस्का चढ़ा कि मैं अपनी गाड़ी वेस्ट टू टॉप करा लेता हूँ। टॉप मॉडल के कुछ फीचर तो डलवा लूँ, लेकिन उसमें मैंने दिमाग लगाया पहले, तेरा देखा क्या क्या नुकसान हुआ। सनग्लासेस वाला देखा ऊपर, उसमें ओरिजिनल नहीं है, वो थी वो USB और वही नकली थी। अब मुझे क्या पता वो स्टीयरिंग असली है धमकाना, मतलब बेवकूफ बनाने वाली बातें हो जाती हैं कभी कभी ना, विश्वास करते हैं और विश्वास की चलो बीप लगा दूँ। चल कोई नहीं, अभी एक बंदा बुलाया मैंने, वो और बढ़िया काम कर देगा तेरी गाड़ी का, और बाकी फिर अपनी गाड़ी का भी मैंने उसको बोला 2-3-4 काम करने को, तो सारे काम कराऊंगा। और कारीगर बंदा है वो, दुकानदार नहीं है, सबसे बड़ी बात। आओ भाई बैठो, आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये भाई साहब मेरे खुद ही काम करा के हैं, ये देखो। तो पूरी छत खराब कर दी भाई, ऐसी तैसी फेर दी। जिंदगी में तुमने अपने देखा कभी ऐसे? मैंने काम ही नहीं देखा, ये पता नहीं किस नो सीखिए ने करा है। और सुनो सच बता रहा हूँ, नाम ले दिया ना तो विवाद हो जाएगा। ये देखो ना पूरी छत खराब कर दी, सब कुछ कर दी, अंदर की पता नहीं चद्दर वद्दर भी काटी है, पता नहीं क्या करा है। ये इतना तो गैप आता ही नहीं है भैया। भाई ये गैप तो है ही है, ये तो मैं अभी इधर बैठा हूँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पीछे देखो तुम एक बार, ये देखो। मैं इसकी फिटिंग तो सही कर दूंगा, अब इस कटिंग के लिए एक ही जुगाड़ है, इस पर लेदर लगवाओ सबसे बढ़िया है ना। हाँ चलो वो तो करा लेंगे, अब इसमें एक दो काम और कराने हैं वो तो। चलो एक्चुअली क्या है इसमें ना, कंपनी से जो सिस्टम लगा हुआ है उसकी आवाज जो है बड़ी मरी हुई है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मतलब आवाज भी कर दूंगा तो क्या हो सकता है इसमें, ऐसा क्या लग जाएगा जो आवाज सही हो जाएगी? चलो ना चल के देखते हैं पहले पहले तो। ये तो छोड़ो, ये देखो ये किस दिया, ये पूरा ये तो पूरा चेंज होगा भैया, ये सारी ऐसी तैसी करती है, ये तो पूरा ही चेंज होगा। होता है क्या चेंज? ये चेंज हो जाएगा भैया। चलो भाई पुराना लगाया होगा तो निशान तो आएगा ही आएगा। ऐसी तैसी फेर दी भाई, पुराना क्या इसी का उतार के इसी में लगाना था, पर पूरा पेल दिया, बस जो भी करना कर दिया, ना स्पीड दिया गाड़ी का। ये भी बंद कर दिया देखो, ये चलना बंद हो गया। ऑटो भी चालू कर दूंगा। कर दोगे ना? कर दूंगा भाई। ये जो भाई है ना, ये इलेक्ट्रिशियन है जो, मतलब ये आए राम भाई, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क तो प्रॉपर जानते हैं, मतलब एज तक का। इसमें ना जैसे यहाँ पे USB आती है कंपनी की, वो मिल जाएगी आपके पास? चेयरमैन मारुति दे दूंगा भैया। अरे भाई कर दो यार, इसके लिए तो मेरी जिंदगी इसने पहले ही खराब कर रखी थी भाई, ये लगाना है वो लगाना है। मैं कहा भाई एक दिन जाऊंगा उसी दिन अपना भी हल निकालूंगा तेरा भी निकाल दूंगा, ऐसे तैसे हो गई पर खुशी मिल गई। चलो भैया चलो, सही कह रहा भाई, 2 मिनट नहीं होते आगे, ऐसे लोग मिल गए तो फिर तो कुछ नहीं होता। आओ भाई, भाई को ना जरा गाड़ी दिखाए भाई, बहुत पुराने कारीगर, मतलब तुम तुम्हारे बंदे होते हैं ना कारीगर वगैरह। अब तुम देखो ये उसने इसमें यार एक ये USB कंपनी वाला चाहिए, पीछे भी कंपनी वाला USB चाहिए, और इसको वो कह रहे हैं कि थोड़ा ठीक कर दूंगा मैं, तो ये करा लेते हैं। इसको शायद अभी नहीं कराएंगे, लेकिन बाकी एम्प लगवाना है इसमें 2 चैनल, वो छोटे मोटे काम कराने हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। और ये भी देखो कौन सा स्टीयरिंग लगा दिया, ये हाइब्रिड स्टीयरिंग है, पार्ट ब्लैक था ना, हां स्टीयरिंग कवर चढ़ा दिया इसमें भाई, टॉप मॉडल का ये डाल दिया, ये पहले से ही, मतलब हां मतलब बताने के लिए उनको बता दिया ना, ये कर दिया वो कर दिया, सब जुगाड़बाजी। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है कि ऐसा भी काम हो रहा है? और उसके बाद अभी फोन और कर रहा है, कह रहा कि आप कह रहे थे नहीं है डायमंड का बोल के नकली बेल रहे हैं। राम भाई आप ऐसा काम तो नहीं करते ना? भाई तुम टेंशन मत लो, काम साइड मिरर में क्या क्या चेंज होता है इसमें? साइड मिरर में खाली मिरर चेंज होगा, रिले लगेगा, स्विच लगेगा, मोटर लगवाना है मोटर लग जाएगा, पर मोटर कामयाब नहीं है भाई। पैसे की भी बात नहीं है, बात ये है कि गाड़ी का हुआ क्या, बस ये देख लो काम लग रहा है बस, तो ये यही हो गया भाई इसी दुख में। और सबसे पहली बात तो ये देखो ये क्या ही है, हम भी सनग्लास होल्डर लगाते हैं, हमारी किसी भी वीडियो में खोल के चेक कर लेना, ग्रैंड पिटारा में हल्का सा भी गैप नहीं आता। या छत नहीं लगवा लो, नहीं तो छत को मॉडिफाई करा लो, कपड़ा लगवा लो, उसके बाद ही ठीक होगा। वैसे मैंने इसको बोल दिया, मैं कहा अभी छिड़वा मत, अभी छत को ऐसी रहने दे अभी थोड़ा टाइम, बजट बना के इसको छत ही को दूसरी लगवाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हाँ फैब्रिक का ही देखेंगे अभी, मतलब बाद में ऑप्शन निकालने का फायदा, अभी तो पहले इसने अपना बजट टाइट कर लिया, तभी तो बेस मॉडल लेके आया था ये। चलो पर स्मार्ट प्ले हुआ हो नहीं, बाकी काम तो करते हैं। चलो भाई आप करो बाकी काम स्टार्ट अपना, ये कर दो यार जो चाहिए। ये क्या है ये भाई समाज यार, भाई के ठेके है ना खुद के। ना ना इसको तो रहने दो, तो जो भी है बस, तुम ये छुट बता रहा हूँ तुम्हें, अभी तुम्हें बता देता हूँ, वो काम करवा दो बस। अभी काम खुल गया है, सारी गाड़ी ना खोल के रख दी है, और वहाँ पे सिस्टम अभी क्या लग रहा है? एम्पलीफायर लग रहा है, फ्रंट USB, रियर USB, और सबसे पहली बात तो रियर USB शॉर्ट है मार्केट में,
अच्छा जी, पर मैं आपकी गाड़ी में लगा रहा हूँ भाई। थैंक यू सो मच। ये देख लो भाई, जेनुइन मारुति। हाँ ये तो दिखा दिया मैंने, जेनुइन मारुति है। और ये देख लो भाई, ये रियर आर्मरेस्ट वाली है ना? रियर आर्मरेस्ट, और इसमें टाइप सी भी आता है। टाइप सी भी आता है। और ये जो आपके हाथ में, ये फ्रंट की, ये फ्रंट यूएसबी है। चलो भाई, ये सारे ओरिजिनल काम हो रहे हैं इसके अंदर। हो देखो, छोटे से काम करा रहे हैं लेकिन सारे के सारे ओरिजिनल हो जाएंगे। अब एक बार जल्दी आओ, एक बार देख लो, जल्दी आओ। वहाँ तो बुलाता रहा, वहाँ कोई आया नहीं। भाई गाड़ी दिखा दे भाई को। भाई ये लग गया यूएसबी का पोर्ट यहाँ पे, जो बंद था ओरिजिनल एमजीबी। और पीछे ये, और पीछे यहाँ लग गया हमारा। हाँ ये भी ओरिजिनल लग गया। भाई जाम भाई, संडे भाई, संडे तो गलती करते थे हम। आगे कभी आऊंगा, संडे नहीं आऊंगा। मंडे इज द बेस्ट डे व्हेन नो वन इज हियर। हाँ और भाई ये क्या कहते हैं सिस्टम, भाई इसमें लग चुका है 2-channel लैंप, एक 8-gauge की वायरिंग, 8-gauge की वायरिंग। और भाई अपना अब जो कंपनी के स्टीरियो है ना भाई, अब भाई बहुत सिस्टम बढ़िया हो गया इस गाड़ी का। लेकिन ये है कि एक भाई मेरे को लगा, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगा हुआ है ना। 1.5 घंटे में भाई पूरी गाड़ी निपटा दी इन्होंने, ये जो मेजर मेजर काम बोले थे वो सारे करा के। और अब मैं इनकी दुकान पे आया हूँ, अब कल आना है, कल पूरा दिन मेरे को यहीं रुकना है। यही है भाई, ऐसी सिस्टम है यहाँ पे। कल तो देखेंगे क्या होगा आपकी गाड़ी में। कल तो भाई सिस्टम पे सिस्टम बनेगा बढ़िया। अब बहुत सारे काम है, कल पूरा दिन हमारा शेड्यूल बिजी है। कल राम भाई को सुबह से रात तक परेशान रखेंगे अपनी गाड़ी को लेके, और बाकी जो भी होगा वो तो देख के बता ही देंगे। जाम बहुत है यार, कुछ भी कहो यहाँ पे। मजा आ गया भाई तेरे को? भाई मजा तो बहुत आ गया, सही बता रहा हूँ। बस जाम जितना परेशान था ना पहले, अब उतना ही खुश हूँ। बस अब तेरी वीडियो खत्म हुई, मैं गाना सुनते हुए आराम से बढ़िया घर पे जाऊँ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। ये थोड़ा वीडियो बंद कराने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। चलो चलो भाई चलते हैं अपना घर को। ये देखो भाई, तो ये है भाई क्लच, ये देख लो। ये देखो भाई, देख रहे हो, ये देखो। तो इसमें लेदर तो है ही नहीं, कहाँ गया, था ही नहीं क्या भाई? ये रहा लेदर, देखो ये रहा, उठाना हाथ से ज़रा। तो भाई ये कुछ इसके लेदर का हाल था। तो जो क्लच का इसका हाल गया हुआ है ना, हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है। तो ये सिर्फ लोहे की पत्ती रह गई है, इस वजह से भाई ये देख रहे हो, मतलब ये पानी वानी भरा हुआ था इसके गियर बॉक्स में। इसलिए सोच रहा हूँ इस गाड़ी के ना इंटीरियर को छिड़वा लिया जाए और एक बार काम करा लिया जाए। इसी चक्कर में ना मैं आज सोच रहा हूँ कि एक बार जाता हूँ और गाड़ी छोड़ के आ जाता हूँ और राम भाई से बात करिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी प्रोसीजर जो होगा, अगर हो बना तो छोड़ ही आऊँगा कि भाई कर दो काम।